फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने Adobe Photoshop 2022 में एक प्लेन बैकग्राउंड की इमेज को हम किस तरह से चेंज करते हैं और उस इमेज को हम किस तरह स्मूथनेस करते हैं। जैसे मेरे पास एक इमेज है, ये मेरे पास एक ओरिजिनल इमेज है और इसको मैंने बैकग्राउंड चेंज करके ये वाली बैकग्राउंड मैंने इसमें सेट की है और इसको इस तरह से स्मूथनेस बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये किस तरह से होता है, चलिए आज के ट्यूटोरियल में हम यही सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फोटोशॉप पे आने के बाद फोटोशॉप में डबल क्लिक करेंगे अपनी एक फ़ोटो को ओपन करने के लिए। मेरे पास एक इमेज है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। आप भी इस तरह सेलेक्ट करके और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको रोटेट करने के लिए इमेज में जाएंगे और यहाँ पर हम इमेज रोटेशन पर और यहाँ पर 90 काउंटर क्लॉकवाइज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज इस तरह से सीधी हो जाएगी। और अब सबसे पहले काम हमारा फ्रेंड्स, इस इमेज से हमें बैकग्राउंड को चेंज करना है, यानी कि इस पर्सन का हमें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए हम फ्रेंड्स, सिलेक्शन करने के लिए बहुत सी चीज़ों से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे पेन टूल से सिलेक्शन कर सकते हैं, लेसो टूल से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका वन क्लिक में सिलेक्शन करेंगे। हमें सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर हमें इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स, वन क्लिक में इसका सिलेक्शन करने के लिए यहाँ से ऊपर सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। एक बार ये 2-4 सेकंड के लिए प्रोग्रेस में चलेगा तो इस इमेज का ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाएगा। इस तरह से आप वन क्लिक में अपनी इमेज का सिलेक्शन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ये थोड़े बहुत ये रह जाए तो इसको हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिर से इसको लेसो टूल लेंगे और इसको यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके और इस तरह से इसको यहाँ से बाहर से इस तरह से सिलेक्शन कर लेना तो ये हमारा सिलेक्शन इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह इसका अंदर से यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसका सिलेक्शन हम इस तरह से बना लेंगे तो ये इस तरह से हमारा इसका सिलेक्शन बन जाएगा। और फिर फ्रेंड्स, हमें राइट क्लिक करना है माउस से और फैदर पर क्लिक करना है। अपनी इमेज के अनुसार हमें इसमें फैदर देना है। फैदर से फ्रेंड्स, हमारे इमेज के चारों तरफ जो किनारियाँ होती है इससे ये मिक्स हो जाएगी, इससे ये लगेगा नहीं कि हमने इसकी कटिंग की है। तो मैं इसमें फ़िलहाल 3 का फैदर रखूँगा। आप अपनी इमेज के अनुसार इसमें फैदर रख सकते हैं और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें इसको अपने लेयर पैनल को ओपन करना है। यहाँ से ये हमारा लेयर पैनल है। अब हम इसमें कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारी इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। नीचे वाली बैकग्राउंड की मैं आइज़ को क्लोज करता हूँ तो इस तरह से ये हमारी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने का था तो ये हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। हम अपने Adobe Photoshop 2022 में इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट हमारा इसमें एक न्यू बैकग्राउंड ऐड करना। तो चलिए, न्यू बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम ओपन करेंगे और मेरे पास एक ये बैकग्राउंड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और फ्रेंड्स, इस इमेज को यहाँ से पकड़ के थोड़ा आगे की तरफ करेंगे माउस से और मूव टूल सेलेक्ट करके इसको यहाँ से पकड़ के इस पे लेके आएंगे और इसको हम अब कट कर देंगे। और फ्रेंड्स, अब कंट्रोल टी करेंगे, इसको हम इस तरह से इस पे लेके आएंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड इसमें सेट हो जाएगी। आप एरो बटन से ऊपर नीचे करके अच्छे से चेक कर सकते हैं और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने फ़ोटो में बैकग्राउंड रिमूव करके और एक न्यू बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट हमारा, इस इमेज की हमें फिनिशिंग करनी है तो हमें फिनिशिंग करने के लिए इसको फ्रेंड्स, अब जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ी इसमें बैकग्राउंड हमारी इसमें मिक्स हो चुकी है तो इसको हटाने के लिए हम इस कटिंग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लेयर को और लेसो टूल लेंगे और एक बार हमें लेसो टूल से इसका इस तरह से सिलेक्शन बना लेना है और राइट क्लिक करेंगे, फैदर करेंगे। इसमें मैं 3 का ही फैदर रखूँगा इसमें और ओके करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी मिक्स बैकग्राउंड इससे रिमूव हो जाएगी। और इसी तरह आपको जो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड मिक्स रह जाए तो उसको इसी तरह सिलेक्शन बना के और इसमें फैदर लगा के राइट क्लिक से और डिलीट बटन से इसको डिलीट कर देना। फ्रेंड्स, आप जो हमारे इसमें इमेज में ये बैकग्राउंड की ब्लू टोन जो दिखाई दे रही है इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका सिलेक्शन हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। सिर्फ हमें बैकग्राउंड का सिलेक्शन करना है जो ये ब्लू वाली है और राइट क्लिक करके फैदर करेंगे
और इस तरह से इसको रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से बना के और फिर शिफ्ट प्रेस करके फिर हम अगले वाले पोर्शन को यहाँ से इस तरह सिलेक्शन बनाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, फैदर करेंगे इसमें और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ से अब हम बर्न टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका एक्सपोजर यहाँ से ऊपर से 50 रखेंगे और यहाँ से मिड टोन स्पेस सेलेक्ट करेंगे और इसको ब्रश को छोटा करके एरो बटन से और इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हेयर हमारे परफेक्ट दिखाई दे। फ्रेंड्स इस तरह से हम जो हमारी बैकग्राउंड का नीलापन इसमें दिखाई दे रहा था, आपकी चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, इस तरह से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब है इसकी फिनिशिंग, तो फिनिशिंग किस तरह से करेंगे आइए वो सीखते हैं। तो मैं इन हेयर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये इमेज में थोड़े अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं फिर से एक बार लेसो टूल लूँगा और यहाँ से इसका इस तरह से सिलेक्शन करूँगा और इसको इस तरह से लूँगा और यहाँ पे लाके छोड़ देना और फिर राइट क्लिक करेंगे और फैदर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब इमेज में हेयर थोड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, लाइट करने के लिए हमें कंट्रोल एम प्रेस करना है और इसको थोड़ा हल्का सा लाइट करना है। आप अपनी इमेज के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसको फ़िलहाल इतना ही रखूँगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स इसके कलर करेक्शन करने के लिए कंट्रोल बी करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे और रेडनेस आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। और जब आपके कलर करेक्शन ओके हो जाए तो यहाँ से ओके पर क्लिक करना। अब फ्रेंड्स इस इमेज को स्मूथनेस बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें मिक्सर ब्रश टूल लेना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये ब्लैंक लेयर होनी चाहिए, यहाँ पे ये बॉक्स जो है ऊपर इस तरह का होना चाहिए। और फ्रेंड्स ब्रश को आप यहाँ से सॉफ्ट रखेंगे, इसकी हार्डनेस को कम रखेंगे जीरो पे और साइज़ आप 50 के आसपास रखेंगे, इसमें लोड को आप 75 और मिक्स ब्रश को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इमेज के अनुसार। और फिर हमें इस तरह से इसको मिक्स करना है इमेज को, मैं थोड़ा इसको और बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। आपको ये हमारी मिक्स ब्रश है जिससे कि हमारे ये स्किन इसमें मिक्स हो जाएगी और फोटो हमारा क्लियर नज़र आने लगेगा। फ्रेंड्स ये सिर्फ आपको स्किन स्किन पे पेंट करनी है ब्रश को इस तरह से। इस तरह से हम इसको पेंट करेंगे, हमें सिर्फ स्किन स्किन पे इसको पेंट करना है और ब्रश को छोटा बड़ा करके इस तरह से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स ब्रश को हमें छोटा बड़ा इस तरह से करते रहना है और अपनी इमेज को इस तरह से पेंट करना है ताकि हमारी इमेज और भी अच्छी दिखाई दे सके। तो फ्रेंड्स मैं एक बार इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, मैं वीडियो थोड़ी फास्ट करता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अपने इमेज में मिक्सर ब्रश से अपनी इमेज में इस तरह से पेंट कर लेना है जिससे कि हमारी इमेज और भी सुंदर दिखाई दे सके। तो फ्रेंड्स ब्रश को छोटा बड़ा करके और इस तरह से आपको पेंट करना है। इस तरह से हमने ये ब्रश की मदद से अपनी इमेज को बहुत ही अच्छा स्मूथनेस बना लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने फोटोशॉप में फ़ोटो की फिनिशिंग इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं इसकी ओरिजिनल फ़ोटो दिखाता हूँ, ये हमारी अभी की है और ये हमारी पहले की है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको Adobe Photoshop 2022 में इसको मिक्स ब्रश की सहायता से बहुत ही अच्छा स्मूथनेस बनाया। तो फ्रेंड्स आप भी अपने फोटोशॉप में इस तरह से अपने इमेज को बैकग्राउंड बदल के और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन करके बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।